हेलो फ्रेंड, क्या आप जानते हैं हैकिंग के कई तरीके होते हैं। फोन के पासवर्ड से लेकर एटीएम की पिन तक हैक करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाया जाता है। हैकिंग के इन तरीकों को अलग अलग नाम दिया गया है। आइए जानते हैं कैसे हैकर्स लोगों के पासवर्ड और पिन चोरी करते हैं। मोबाइल की सिक्योरिटी हो या फिर सोशल मीडिया अकाउंट, इन्हें सुरक्षित रखने के लिए पासवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। क्या हो अगर आपका कुछ गलतियों की वजह से आपका पासवर्ड लीक हो जाए, या फिर आपके आदतों की वजह से कोई आपका पासवर्ड का अंदाज लगा ले। साल 2022 के वीक पासवर्ड रिपोर्ट आ गई है। इस रिपोर्ट में लोगों के पासवर्ड रखने के तरीके को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। आइए जानते हैं क्या कहते हैं कमजोर पासवर्ड रिपोर्ट। लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट से लेकर ऑफिस के मेल तक के लिए पासवर्ड की जरूरत होती है। ऐसे में कई बार इन पासवर्ड को कुछ कुछ दिनों पर अपडेट करना पड़ता है। वैसे तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, लेकिन कई बार खराब आदत इस प्रैक्टिस को भी बिगाड़ देती है। लोग अपने डेटा को प्रैक्टिस करने के लिए पुराने पासवर्ड मामूली बदलाव करके ही इस्तेमाल करते हैं। उनके नए पासवर्ड पुराने पैटर्न या कॉमन थीम पर ही वेस्ट होते हैं। रिसर्च के अनुसार स्वीडन के पासवर्ड मैनेजमेंट और ऑथेंटिकेशन सॉल्यूशन वेंडर स्पेसकॉफ सॉफ्टवेयर के लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक ब्रूट फोर्स अटैक हैकिंग का एक तरीका में इस्तेमाल होने वाले 93% पासवर्ड 8 या उससे ज्यादा कैरेक्टर के होते हैं। वही 54% ऑर्गेनाइजेशन के पास वीक पासवर्ड मैनेज करने के लिए कोई टूल नहीं होता है। रिपोर्ट के माने तो 42% सीजनल पासवर्ड सामर शब्द का होते हैं। ब्रूट फोर्स अटैक सोल्डर सर्फिंग और सोशल इंजीनियरिंग हैकिंग के कुछ तरीके होते हैं, जिसके मदद से साइबर अटैक या पासवर्ड हैक किया जाता है। इनके तरीके से हैकर्स आपके पासवर्ड का पता लगाते हैं। ब्रूट फोर्स अटैक में हैकर्स यूजर्स के पासवर्ड का अंदाज लगाते हैं। इसमें स्कैमर हैकिंग के सॉफ्टवेयर की मदद से कुछ कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करके यूजर्स के पासवर्ड को क्रैक करने की कोशिश करते हैं। सोशल इंजीनियरिंग भी हैकिंग का एक तरीका है। इस हैकिंग तरीके में हैकर्स एक फर्जी सोशल इंजीनियरिंग वेबसाइट बनाते हैं, जिसमें कई यूजर अपने क्रेडेंशियल डालते हैं और उनके जाल में फंस जाते हैं। इस तरह की पेज देखने में बिल्कुल असली जैसे होते हैं, लेकिन ये आपको सोशल मीडिया अकाउंट पर नहीं बल्कि हैकिंग के जाल में लेकर जाते हैं। क्रेडेंशियल स्टफिंग भी हैकिंग का एक तरीका है, जिसमें हैकर्स सॉफ्टवेयर और इस तरह की मैलवेयर के जरिए किसी यूजर की क्रेडेंशियल को चोरी करते हैं। डार्क वेब पर लीक हुए पासवर्ड की कई लिस्ट मौजूद है और साइबर अपराधी इनका इस्तेमाल भी हैकिंग में करते हैं। की लॉगर अटैक, इस तरह की अटैक में सॉफ्टवेयर की मदद से हैकर्स आपके बोर्ड टाइपिंग को ट्रैक करते हैं और रिकॉर्डिंग करते हैं। इस तरह की हैकिंग से बचने के लिए आपको अपने फोन में एक भरोसेमंद एंटीवायरस रखना चाहिए। पासवर्ड स्प्रे अटैक, जब कई हैकर चोरी किए हुए लाखों पासवर्ड को इस्तेमाल थोड़े से अकाउंट पर करता है तो इसे पासवर्ड स्प्रे अटैक कहते हैं। इससे बचने के लिए आपको अपने पासवर्ड निश्चित समय पर बदलती रहनी चाहिए। सोल्डर सर्फिंग, आपने कई बार लोगों को दूसरे के फोन में ताकाझाकी करते हुए देखा होगा। हैकर्स भी इसी तरह से कई बार पासवर्ड चोरी करते हैं और इसे सोल्डर सर्फिंग कहते हैं। इस तरह की घटना एटीएम की पिन चोरी करने में होते हैं। ऐसे ही टेक्निकल इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।